हे गाइज, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब एकदम बढ़िया होंगे। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा इस तरीके का फोटो एडिटिंग। गाइज, ये वाला एडिटिंग इंस्टाग्राम पे बहुत ही ज़्यादा वायरल होता है, तो आपको भी सीखना है कुछ इस तरह का फोटो एडिटिंग तो वीडियो को एंड तक देखना होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, सबसे पहले आपका फोटो को ओपन कर लेना होगा स्नैपसीड ऐप के अंदर, और स्नैपसीड ऐप के अंदर आने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देने को मिलेगा। यहाँ से आपको साइड पे पेंसिल वाला एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करके आपको ऊपर ट्यून इमेज पे आपको क्लिक कर देना होगा। ट्यून इमेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो एक पॉइंट है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ से फोर्थ नंबर वाला ऑप्शन को आपको 100 कर देना होगा, और हाईलाइट को आप थोड़ा सा माइनस की साइड कर लेना, और शेडोज को आप थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो इतना, और नीचे राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। इतना होने के बाद आपको पेंसिल वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको सिलेक्ट टिप पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे सिलेक्ट टिप पे क्लिक करने के बाद जहाँ जहाँ पे फेस का डार्क एरिया होगा कुछ इस टाइप से आपको रख के आपको फेस को गोरा कर लेना होगा, ठीक है। गाइज, देख सकते हो फोटो पहले इतना डार्क था, अब ऐसा हो गया। तो यहाँ पे स्नैपसीड का काम खत्म हो गया। यहाँ से शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और फोटो को लेकर जाना होगा लाइट रूम के अंदर। गाइज, लाइट रूम के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे ऑल फोटोज पे क्लिक करना होगा। देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो फोटो है उसको ऐड कर लिया हूँ, उसके साथ गाइज ये वाला प्रीसेट को भी ऐड किया हूँ। ये वाला प्रीसेट इतना अच्छा आया, फेस कितना ज़्यादा गोरा हो जाएगा आपके सामने आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको 3 डॉट पे सिंपली क्लिक करना होगा, और यहाँ पे कॉपी सेटिंग्स का एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। कॉपी सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे राइट कर देना है, और यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। गाइज, देख सकते हो फेस ऐसा है और कैसा हो जाएगा, आप सामने देख सकते हो, आपके सामने सब कुछ होगा, ठीक है। देख सकते हो गाइज, पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया, कितना अच्छे तरीके से गोरा हो गया, स्मूथ हो गया, सब कुछ हो गया, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ये वाला प्रीसेट को आप कहाँ मिलेगा गाइज, ये वाला प्रीसेट को आप कहाँ से डाउनलोड करोगे? मेरा टेलीग्राम चैनल पे आप डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी लिंक है, आप डाउनलोड इजीली कर सकते हो। तो फोटो को कुछ इस टाइप से बनाने के बाद आपको क्या करना है, ये वाला फोटो को शेयर करके लेकर जाना होगा कहाँ, ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर। गाइज, ऑटोडेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर आने के बाद आपको बस यहाँ पे एक ही काम करना होगा, वो है फेस को स्मूथ करना। फेस को स्मूथ करना आपको शायद पता होगा, नहीं तो आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको पेंसिल वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे ये वाला ब्रश को आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर देख सकते हो एक सेटिंग का एक ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का साइज को इतना ही रखना होगा, फ्लो को इतना रखना होगा, और स्ट्रेंथ को भी आपको इतना रखना है, और नीचे कट वाला एक ऑप्शन है, यहाँ पे आपको कट कर देना होगा। और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको कुछ इस टाइप से राउंड राउंड से फेस को स्मूथ कर लेना होगा। तो मैं जल्दी से यहाँ पे कर लेता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो गाइज, आपको कुछ इस टाइप से फेस को स्मूथ कर लेना होगा। फेस को स्मूथ करने के बाद यहाँ पे ऊपर 3 डॉट आपको दिख जाएगा, 3 डॉट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये वाला फ़ोटो को शेयर करना होगा पिक्सट के अंदर, ठीक है, बैकग्राउंड पे कलर ऐड करने के लिए और फोटो को रियलिस्टिक तरीके से एडिट करने के लिए। गाइज, पिक्सआर्ट के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले इफेक्ट्स का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। इफेक्ट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे देख सकते हो गाइज बहुत सारा ऑप्शन है, तो आपको यहाँ से सिंपली कलर्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। कलर्स वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से जो 3rd नंबर वाला ऑप्शन है यहाँ पे देख सकते हो कलर रिप्लेस का, यहाँ पे एक प्लस वाला ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हो, इसको रख देना होगा आपके बैकग्राउंड के ऊपर कुछ इस टाइप से, जो कलर आप रखना चाहते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पे ये वाला कलर बहुत ही चलता है, ये वाला कलर, ये वाला रेड कलर और ये वाला पिंक कलर बहुत ही अच्छा चलता है। गाइज, देख सकते हो बैकग्राउंड का कलर बहुत ही बढ़िया तरीके से चेंज हो रहा है, आप जो कलर रखना चाहते हो आप रख सकते हो, तो मैं बस ये वाला कलर रखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपको इरेजर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, और गाइज देख सकते हो यहाँ पे
क्या ही फेस के ऊपर कलर आ गया है, इसको सिंपली आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इरेज कर लेना होगा बढ़िया तरीके से। तो गाइज फेस के ऊपर से कुछ इस टाइप से कलर को रिमूव करने के बाद आपको ऊपर राइट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। तो गाइज देख सकते हो बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन बैकग्राउंड पे थोड़ा सा ब्लर ऐड करना होगा, ठीक है। फिर से आपको इफेक्ट्स पे क्लिक करके आपको नीचे ब्लर वाला एक ऑप्शन मिलेगा, सेकंड नंबर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको इरेजर पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे बैकग्राउंड का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा, सिंपली बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा, राइट कर देना है, ठीक है। गाइस देख सकते हो बैकग्राउंड ब्लर हो गया है, ठीक है, एकदम DSLR जैसा ब्लर हो गया। तो यहाँ से आपको ऐड फोटो का ऑप्शन पे क्लिक करके एक PNG आपको ऐड करना होगा, लाइट PNG जिसको बोलता है, ऐड फोटो पे क्लिक करके। गाइस ये वाला PNG को ऐड करने के बाद यहाँ पे साइड पे आपको ब्लेंड का एक ऑप्शन मिलेगा, ब्लेंड पे क्लिक करके आपको इसको कर देना होगा स्क्रीन, और इसको आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है, सही लगेगा। तो यहाँ से डन करते हैं। तो गाइस देख सकते हो फोटो पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ से आपको फोटो को सेव करना होगा, सेव करने के लिए आपको यहाँ पे ड्रॉ पे करना होगा क्लिक, फिर से आपको ड्रॉ पे क्लिक करके साइड पे 3 डॉट दिख जाएगा, यहाँ पे आपको सेव इमेज पे क्लिक कर देना होगा।